नित्यमह पूजा। पूजन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम स्थापना करेंगे और दूसरे पार्ट में हम अष्ट द्रव्यों से पूजा करेंगे। स्थापना के लिए आप हाथ में 3 लौंग ले लें। याद रहे कि उनके फूल होने चाहिए। आप लौंग या 3 दाने चावल के भी ले सकते हैं, हालांकि लौंग बेटर रहेगा। लौंग को एक एक करके चढ़ाएं। याद रहे कि दोनों हाथों को ज्वाइन करके ही और लौंग को उनके बीच में रख के ही आपको चढ़ाना है, हाथों को खोलना नहीं है। तो जब हम कहेंगे ओम रीम श्री नित्यमा समुच्चय जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर समोष्ट आह्वाननम, तब हम एक लौंग चढ़ाएंगे। ठ ठ स्थापनम, यह बोलने पर दूसरी लौंग चढ़ाएंगे। और भव भव वशिष्ठ सन्निधि करनम बोलने पर तीसरी लौंग चढ़ाएंगे। तीनों लौंग चढ़ाने के बाद में आप हाथों को कुछ इस तरीके से घुमाकर अपने हृदय को स्पर्श करेंगे, जैसे आप भगवान को अपने हृदय में स्थापन कर रहे हैं। बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि स्थापना हो जाने के बाद में स्थापना पात्र को जरा भी धक्का ना लगे। पूजा के पूर्ण होने तक, विसर्जन वगैरह सब पूर्ण होने तक स्थापना पात्र को अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलाए और बिल्कुल भी धक्का ना लगने दे। और पूजा की थाली या स्थापना पात्र को हाथ लगने पर आप हाथों को जल से अवश्य ही धो ले। पूजन के दूसरे पार्ट में हम अष्ट द्रव्य से पूजन करेंगे। अष्ट द्रव्यों को कैसे चढ़ाना है ये पहले ही वीडियो में देख चुके हैं, या फिर आप ऊपर दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम एक्चुअल पूजन को स्टार्ट करते हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी पाठक साधु और जिन वर चौबीसो गण धर जिन पंच बालयति वर जिन आगम गुरु प्रभु अर बीसो माँ जिन वानी निर्वाण भूमि रत्न त्रय दस लक्षण प्यारा नंदीश्वर पंच मेरु जिन वर जिन चैत चैतालय मनहारा जिन धर्म जिन आगम बाहुबली सोला कारण पूजन करता इनका आवाहन करके मैं श्री मोक्ष महल का सुख वर्ता। ओम रीम श्री नित्यम समुच्चय जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संवोष्ट आवाहनम। ओम रीम श्री नित्यम समुच्चय जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम रीम श्री नित्यम समुच्चय जिनेन्द्र अत्र मम सन्हितो भव भव वशिष्ठ सन्निधि करणम। तो चलिए अब हम अष्ट द्रव्य से पूजन करेंगे। हमारा पहला द्रव्य है जल। जल को आप इन दोनों ही तरीकों से अर्पण कर सकते हैं। आपको जो सुविधाजनक लगे या ठीक लगे उस तरीके को आप अपना सकते हैं, चॉइस आपकी होगी। हम जलम निरपामिति स्वाहा बोलने पर ही जल को अर्पण करेंगे। धीर वीर गंभीर प्रभु की अर्चा मैं नित करता हूँ निर्मल जल की त्रय धारा दे जन्म जनामृत हरता हूँ बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वानव देवा पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम ह्रीं श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय जलम निर्वपामीति स्वाहा। हमारा दूसरा द्रव्य है चंदन। चंदन को आप 3 प्रकार से अर्पण कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इन में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। चंदनम निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर चंदन अर्पण करें। शीतल चंदन चरण चढ़ाता शीतलता मुझको देना भव का बंधन हरने वाले भव की ज्वाला हर लेना देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वानव देवा
पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा, बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम रीम श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। हमारा तीसरा द्रव्य है अक्षत। अक्षत को आप दो प्रकार से अर्पण कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप अपनी चॉइस या सुविधा के हिसाब से इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर आप अक्षत अर्पण करें। धवल मनोहर अक्षत लाया, अक्षय पद पाने हेतु, अक्षय पद को देने वाली पूजन है सबका सेतु। देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा, त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा, सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वानव देवा, पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा, बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम ह्रीं श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा। हमारा चौथा द्रव्य है पुष्प। पुष्पों को आप दो तरीकों से अर्पण कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप अपनी चॉइस या सुविधा के हिसाब से इनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर आप पुष्पों को अर्पण करें। जल भूमि जब बहु पुष्प चढ़ाओ, पुष्पों सा जीवन पाओ, काम बान को वश में करके मन ही मन में हर्षाओ। देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा, त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा, सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वानव देवा, पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा, बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम ह्रीं श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। हमारा पांचवा द्रव्य है नैवेद्य। नैवेद्य को आप दो तरीकों से अर्पण कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप नारियल से बनी चिटक या फिर शक्कर और बोरिंग के पानी से बने पकवान जैसे कि शक्कर की पपड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस आपकी होगी। नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर आप नैवेद्य को अर्पण करें। पुआ पकौड़ी रबड़ी घेवर आदिक व्यंजन में लाया, सुधा वेदनी के भेदन को प्रभु सन्मुख दौड़ा आया, देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा, त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा, सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वानव देवा, पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा, बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम ह्रीं श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। हमारा सिक्स्थ द्रव्य है दीप। दीप को आप दो तरीकों से अर्पण कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप दीप के तौर पर कपूर या फिर चिटक को चंदन लगाकर भी अर्पण कर सकते हैं। चॉइस आपकी होगी। दीपम निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर दीप अर्पण करें। जगमग दीपों की थाली ले आरती प्रभु की गाऊंगा, मोह कर्म का नाश मेरा हो सम्यक भाव बनाऊंगा, देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा, त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा, सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वानव देवा, पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा, बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय।
ओम रीम श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। हमारा सेवेंथ द्रव्य है धूप। धूप को अर्पण करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई चीज़ों का और तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। धूपम निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर धूप अर्पण करें। धूप धुपायन में खे कर में अष्ट कर्म का हनन करो, प्रभु प्रतिमा के दर्शन करके निज स्वभाव का वर्ण करो, देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वा नव देवा पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा। बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम रीम श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। हमारा एट द्रव्य है फल। फल को अर्पण करने के दो तरीके हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आप उनमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, एज यूजुअल चॉइस आपकी होगी। फलम निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर आप फल अर्पण करें। ताजे मीठे फल की अर्चा मन वांछित फल देती है, फल की अर्चा मेरे जीवन के संकट हर लेती है, देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वा नव देवा पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा। बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम रीम श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामीति स्वाहा। अब हम अर्घ समर्पण करेंगे। अर्घ के लिए आप पूजा के थाल में पहले से ही मौजूद अर्घ का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए तरीके से सभी द्रव्यों को मिश्रित करके अर्घ बनाकर उसे समर्पित कर सकते हैं। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा बोलने पर अर्घ का अर्पण करें। नीरादिक द्रव्यों का सुंदर थाल सजाकर लाता हूँ, अनर्घ पद की अभिलाषा से भक्ति भाव जगाता हूँ, देव शास्त्र गुरु बीस तीर्थंकर जिनवानी गंधर पूजा त्रय चौबीसी रत्न त्रय नंदीश्वर दस लक्षण पूजा सोलह कारण बाहुबली निर्वाण भूमि वा नव देवा पंच परम परमेष्टि पद की करते उत्तम सेवा। बोलो जय 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 प्रभु की जय जय जय। ओम रीम श्री नित्यमह समुच्चय जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांतये शांति धारा बोलने पर तीन बार जल अर्पण करें। वीतराग भगवान की पूजा सब सुख खान, त्रयधारा जल की करो छोड़ सब अभिमान। शांतये शांति धारा। काम सृष्टि का नाश हो पुष्प वृष्टि के साथ, पुष्पांजलि क्षेपण करो पूर्ण विनय के साथ, दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। पूजन के अंत में हम स्क्रीन पर दिखाए मंत्र का जाप देंगे, आप 3, 9, 27 या 108 बार जाप दे सकते हैं अपने टाइम और सुविधा के अनुसार। जाप देते वक्त आप आंखें मूंद कर भगवान को याद करते हुए ओम ह्रीम नित्यमह समुच्चय जिनेभ्यो नमः मंत्र का उच्चारण करें, या फिर हर जाप के बाद स्वाहा बोलकर आप एक लौंग या फिर पुष्प का एक दाना अर्पण कर सकते हैं, एज यूजुअल चॉइस आपकी होगी। ओम ह्रीम नित्यमह समुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम नित्यमह समुच्चय जिनेभ्यो
नमः स्वाहा। ओम रीम नित्य महासमुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम नित्य महासमुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम नित्य महासमुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम नित्य महासमुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम नित्य महासमुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम नित्य महासमुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम नित्य महासमुच्चय जिनेभ्यो नमः स्वाहा। दिव्य पुष्पांजलि शिपेत। जय माला। जय माला के लिए आप प्लेट ले, उसके अंदर अर्घ ले, फल अपनी पसंद का ले, श्रीफल उत्तम रहेगा, साथ ही आरती भी ले ले। पूर्ण जयमाला के समय आप इसे आरती की तरह ही ओवाले, भगवान के सामने गोल गोल घुमाएं अथवा जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। स्वाहा बोलने पर आप आरती को अपने स्थान पर रखते अर्घ को हमेशा की तरह भगवान की तरफ मुख करके पूजा की थाल में अर्पण करें। जय माला की माल से गूंजे जय जयकार, जय माला हम पढ़ रहे मिलकर सब नर नर। श्री वीतराग सर्वज्ञ हितैषी अरिहंतो को नमन करू, श्री सिद्ध सूरी पाठक साधु जिन चैत जिनालय नमन करू। सब दीपो के प्रभु वर न्यारे सी मंदर आदिक को ध्याऊ, श्री पंच मेरु अरुनंदीश्वर के चैतालय के गुण गाऊ। दस लक्षण धर्म हृदय धारू, सोलह कारण भावना भाऊ, रत्नत्रय धारण करने के सम्यक साधन को अपनाऊ। 1452 गण दर्जी सब रिद्धि सिद्धि देने वाले, प्रभु के पाचो कल्याणक भी सबका संकट हरने वाले। जिन वर के सब जन्म स्थल को करता हूँ मैं शत शत वंदन, श्रावस्ती कौशंबी काशी अयोध्या चंद्रपुरी वंदन। काकंदी राज गृही मिथिला चंपापुर कुंडलपुर वंदन, वैशाली सिंहपुरी भद्रिल हस्तिनापुर आदि वंदन। अतिशय औसिद्ध क्षेत्र जी का सुमरण सब पाप तिमिर हरता, मैं चंपा पावा उर्जयंत सम्मेद शिखर वंदन करता। पावा द्रोणा सोना तुंगी कैलाश चूल गिरी ध्याऊंगा, रेशंदी मुक्ता उदय रत्न कुंथल गिरी को मैं जाऊंगा। विपुला चल पोदन पुर मथुरा तारंगा गजपंता वंदन, श्री सिद्धवर कूट गुनावा जी न वादा शत्रुंजय वंदन। अहि क्षेत्र अनिंदा ऋषभ देव जटवाड़ा पैठन चवलेश्वर, कचनेर चांद खेड़ी पाटन जिंतूर तिजारा गोमटेश्वर। डोरा मक्सी बिजोलिया मांडल के चंदा को वंदन, श्री महावीर जी पद्मपुरा आदिक तीर्थों को भी वंदन। जय ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक के सब चैतालय मनहारी, निर्वाण सिधारे पूज्य पुरुष की पूजा सब संकट हारी। श्री राम हनु सुग्रीव नील महानील कुंभ शंभु ज्ञानी, लव मदनांकुश सागर वर दत्त श्री बाहुबली स्वामी ध्यानी। गौतम जम्बू सुधर्मा श्री त्रय पांडव सुत अनिरुद्ध नमन, इस ढाई दीप से मोक्ष पधारे उन गुरुओं को है वंदन। श्री पंच बाल यति को ध्याए नव देवों की शरणा पाए, सातिशय पुण्य कमाने को मंगलमय पूजा हम गाए। जिन गुण के अनुरागी बन कर संसार भ्रमण का नाश करे, शिवपुर के राज तिलक हेतु यह राज प्रभु गुण आस करे। ओम रीम श्री नित्यमा समुच्चय जिनेन्द्राय, पूजा जयमाला सहित पुन्ना अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्री जिन के आशीष से प्रगटाउ निज ज्ञान, पूजन कीर्तन भजन से राजवरे शिव थान। इत्या आशीर्वाद पुष्पांजलि शिपेत। अर्घावली। आपको कौन कौन से अर्घ देने हैं ये आप अपने सुविधा समय और समझ के अनुसार तय कर सकते हैं। एज यूजुअल चॉइस आपकी होगी।
हालांकि आप ऋषि मंडल का अर्घ और मूल नायक प्रतिमा का अर्घ अपने अर्घ की लिस्ट में अवश्य ही सम्मिलित करें। हमने अर्घ का चुनाव करते वक्त यही कोशिश की है कि सारे आवश्यक अर्घ हम कवर कर ले। आप चाहे तो इसी लिस्ट को ऐसे के ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। बस इस लिस्ट में आप अपनी मूल नायक प्रतिमा का अर्घ सम्मिलित करें। इस तरीके से आपकी पूजा सुसंपन्न हो जाएगी। हमारा पहला अर्घ है ऋषि मंडल अर्घ। ऋषि मंडल के अर्घ में हम जल को भी सम्मिलित करेंगे, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, जल फलादिक द्रव्य लेकर अर्घ सुंदर कर लिया, यानी कि जल लेने के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। ऋषि मंडल के अर्घ के लिए आप पूजा की प्लेट में अर्घ ले ले, आरती भी ले ले और राइट हैंड में जल का कलश ले ले। आप अरेंजमेंट कुछ ऐसी करें कि आपके राइट हैंड में जल का गड़ू या कलश हो और लेफ्ट हैंड में रखी प्लेट जिसके अंदर अर्घ और आरती है वो भी आपके राइट हैंड को टच करे, और जैसे ही अर्घ के अंदर का मंत्र स्टार्ट होगा आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल अर्पण करें, और स्वाहा बोलने पर जल अर्पण करना बंद करें, आरती को अपने स्थान पर रखें और अर्घ को भगवान की तरफ मुख करके समर्पित करें। जल फलादिक द्रव्य लेकर अर्घ सुंदर कर लिया, संसार रोग निवार भगवन वार तुम पद में दिया, जहाँ सुभग ऋषि मंडल विराजे पूजिय मन वचतन सदा, तिस मनोवांछित मिलत सब सुख स्वप्न में दुख नहीं कदा। ओम रीम सर्वोपद्रव विनाशन समर्थाय, सर्व रोग शोक संकट हराय, सर्व शांति पुष्टि कराय, श्री ऋषभादि 24 तीर्थंकर अष्ट वर्ग अर्हंतादि पंच पद दर्शन ज्ञान चरित्र चतुर्निकाय देव चार प्रकार अवधि धारक श्रवण अष्ट रिद्धि संयुक्त ऋषि 20 चार सुर 3 रीम अर्हंत बिंब 10 दिग्पाल यंत्र संबंधी परम देवाय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बाकी सभी अर्घों के लिए हम नॉर्मल तरीके से ही अर्घ अर्पण करेंगे। उदक चांदन तांदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल ज्ञान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाम महम यजे। ओम रीम श्री जहा जहा हीरा की पन्ना की पुखराज की लाल की मोतिया की स्फटिक मणि की सोना की चांदी की पीतल की चौमुखी की वालू की पाषाण की प्रतिमा विराजमान है तिनके चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वच काय, हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाय। ओम रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज जीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करू सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजी हिम थार तन मन मोद धरो, गुण गाओ भव दति पार पूजत पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घवत प्राप्तये अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जहाँ जहाँ मुनि महाराज शुल्लक शुल्लिका विराजमान है उनके चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। आहार दान औषध दान ज्ञान दान अभय दान चारों प्रकार के दान का अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नरक गति तिर्यंच गति मनुष्य गति देव गति चारों गति से छुटकारा हो अर्घम निर्वपामीति स्वाहा।
महाअर्घ्य। महाअर्घ के लिए आप पूजा की प्लेट में अर्घ ले ले, साथ ही में आरती भी ले ले, और जैसे हम आरती करते हैं उसी तरीके से आप भगवान के सामने उसे ओवा ले। जैसे ही महाअर्घ के मंत्र की शुरुआत होगी, आप राइट हैंड में जल से भरा हुआ कलश ले ले और अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से करें। राइट हैंड में जल का गड़ू या कलश हो और लेफ्ट हैंड में रखी प्लेट जिसके अंदर अर्घ और आरती है वो भी आपके राइट हैंड को टच करे, और जैसे ही अर्घ के अंदर का मंत्र स्टार्ट होगा आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जल अर्पण करें, और स्वाहा बोलने पर जल अर्पण करना बंद करें, आरती को अपने स्थान पर रखें और अर्घ को भगवान की तरफ मुख करके समर्पित करें। महाअर्घ के अंत के भाग में आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी की ज़रूरत होगी, जो कि आप स्क्रीन पर दिए गए पॉइंटर्स को देखकर पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आप हिंदी पंचांग की सहायता से ये जानकारी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं देव श्री अरहंत पूजू सिद्ध पूजू चावसो आचार्य श्री उवझाय पूजू साधु पूजू भावसो अरिहंत भाषित बैन पूजू द्वादशांग रचे गनी पूजू दिगंबर गुरु चरण शिव हेतु सब आशाहनी सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजू सदा जजि भावना षोडश रत्न त्रय जा बिना शिव नहीं कदा त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम चैत चैतालय जजु पन मेरु नंद शिवर जिनालय खचर सुर पूजित भजु कैलास श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजू सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीर्थ सर्वदा चौबीस श्री जिन राज पूजू बीस क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस वसु जय हो पति शिव गेह के जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीम भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे श्री अरहंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोगेभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम समाधि दस लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्व लोक मध्य लोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैतालय जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेह क्षेत्र विद्यमान विस्तीर्थंकरेभ्यो नमः। पांच भरत पांच ऐरावत दस क्षेत्र संबंधित तीस चौबीस के 720 जिन बिंबेभ्यो नमः। नंदीश्वर संबंधित बावन जिन चैतालेभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैतालेभ्यो नमः। सम्मेत शिखर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार मांगीतुंगी सोनगिरी राजगृही मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बद्री मूढ़ बद्री हस्तिनापुर चंदेरी पपोरा अयोध्या शत्रुंजय तारंगा चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी तिजारा आदि अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। श्री चारण रिद्धिधारी सप्त परमर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंत भगवंत कृपावंत श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानम आद्ये जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मुंबई नगरे मासाना मुत्तमे अग्रहण मासे शुक्ल पक्षे तिथि पंचमी वासरे रविवार मुनि आरिकान्ना श्रावक श्राविकान्ना सकल कर्म क्षयार्थ अनर्क पद प्राप्तये संपूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्पांजलि शिपेत। अब आप मन में 9 बार नमोकार मंत्र बोले।
आरती अधिक आरती विसर्जन। आरती के लिए आप पूजा की प्लेट में अर्घ ले ले, साथ ही में निरंजनी यानी कि आरती ले ले और पूर्ण आरती गाते हुए भगवान के सामने आरती को ओवा ले। आप जिनकी चाहे उनकी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम पंच परमेष्ठी की आरती करेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है। एज यूजुअल चॉइस आपकी होगी। आरती के समाप्त होने पर हम आरती का विसर्जन करेंगे। विसर्जन के लिए हम आरती विसर्जन मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसी के साथ आरती को अर्घ सहित अपने पहले वाले स्थान पर स्थापित करेंगे। यह विधि मंगल आरती की जे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा भव दधि पार उतार जिहाजा। दूजी आरती सी धन केरी सुमरण करत मिटे भव फेरी। तीजी आरती सूर मुनिंदा जनम मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उवझाया दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकार। छठी ग्यारह प्रतिमा धारी श्रावक बंधु आनंदकारी। सातवी आरती श्री जिनवानी ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी। जो यह आरती पढ़े पढ़ावे सो नर नारी अमर पद पावे। पूजा करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। दद्यो जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रा प्रितम प्रतिदिनम महताधरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाह मालांतिका तव विभोर वतारयामि मंगल आरती उतारणम। शांति पाठ। शांति पाठ के लिए आप राइट हैंड में अधिक मात्रा में पुष्प रूपी रंगीन चावल को ले ले और जैसे ही शांति पाठ शुरू हो आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पुष्पों को पूजा की थाल में अर्पण करें। आप पुष्पों को अर्पण करते रहे कंटिन्यूअसली जो सदा सौख्यकारी आने तक। घाती कर्म जिन नाश करी वाली लाइन आने पर आप पुष्पों को अर्पण करना बंद करें और हाथ में जल का कलश या गड़ू ले ले और स्क्रीन पर दिखाए तरीके से आप जल धारा अर्पण करें। जल धारा आपको तीन बार अर्पण करनी है। जल धारा अर्पण हो जाने पर जैसे ही शास्त्रों का हो पठन सुखदा आदि लाइन आए आप दोनों हाथों को जोड़कर आगे के पाठ का उच्चारण करें। जब तक शांति पाठ समाप्त नहीं हो जाता आप दोनों हाथों को जोड़कर इस पाठ को मन लगाकर उच्चारण करें। शांति पाठ के समाप्त होने पर आप पुष्पांजलि शेपन करें और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप दें। शांतिनाथ मुख शशि उन्हारी शील गुण व्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निरखत नयन कमल दल लाजे। पंचम चक्रवर्ती पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र भूत जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक। दिव्य विटप पहुपन की वर्ष दुंदुभि आसन वाणी सरसा छत्र चमर बामंडल भारी ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाय परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनि चार संग को। पूजे जिने मुकुट हार किरीट लाके इंद्रादि देव अरु पूज बदाव जाके। सौ शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए कर ही शांति सदा अनूप। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को
राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश बोले कीजे सुखी है जिन शांति को दे। हो वे सारी प्रजा को सुख बल युत हो धर्मधारी नरेशा। हो वे वर्षा समय पे तिल भर ना रहे व्याधियों का देशा। हो वे चोरी न जारी सुसमय वरते हो न दुष्काल भारी। सारे ही देश धारे जिन वर वृष को जो सदा सौख्यकारी। घाती कर्म जिन नाश करी पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में चौबीसो भगवान। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत संगति का। सदवृत्तों का सुजस कह के दोष ढाकू सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। तोलो से ऊ चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। तव पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में। तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पायन मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे। क्षमा करो प्रभु सब करुणा करी पुनी छुड़ाऊ भव दुख से। हे जग बंधु जिनेश्वर पाऊ तव चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का शय सुबोध सुखकारी। पुष्पांजलि शिपामि सायुत्सर्ग। विसर्जन पाठ। विसर्जन पाठ के लिए आप 9 पुष्प यानी कि 9 रंगीन चावल अथवा 9 लौंग अपने हाथों के बीच में ले ले और विसर्जन पाठ के समाप्त होते ही स्क्रीन पर दिखाए तरीके से आप उसे आशिका पात्र में अच्छे तरीके से बिना गिराए हुए अर्पण करें। आप इस बात का ध्यान रखें कि चावल के दाने बिल्कुल ही साबुत हो, टूटे हुए ना हो, अथवा अगर आप लौंग ले रहे हैं तो फूल वाली लौंग ले, इस बात का भी अवश्य ही ध्यान रखें। भोजन के लिए आमंत्रित किए हुए भगवान या जी से हम क्षमा याचना कर रहे हैं कि पूजन के वक्त अगर हमसे कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। साथ ही में हम उन्हें अपने अपने स्थान पर वापस जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। तुव प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होय। पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानू आह्वान। और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा कर हूँ भगवान। मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन देव। क्षमा करहू राखहू मुझे देहू चरण की सेव। आए जो जो भक्तगण पूजे भक्ति प्रमाण। ते सब मेरे उर्वसो चौबीसो भगवान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि। मंगलम कुंद कुंदार्थो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधान सर्व धर्माणम जैन जयतु शासनम। इत्या आशीर्वाद पुष्पांजलि शिपामि। आशिका मंत्र। विसर्जन के समाप्त होते ही हम आशिका मंत्र बोलकर आशिका लेंगे। अगर आप ग्रुप में पूजन कर रहे हैं तो ग्रुप में जो सबसे बड़े हैं आप उनके पास आशिका लेने के लिए आशिका पात्र दे दें। आशिका लेने के लिए हम आशिका मंत्र बोलते हुए आशिका पात्र को सबसे पहले राइट आई
फिर लेफ्ट आई और फिर फोरहेड के बीच में टच करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आशीर्वाद ले। मंत्र के उच्चारण के साथ ही यह प्रक्रिया आप रिपीट करें। पूजन में सम्मिलित होने वाले सभी लोग जब आशिका ले ले तो हम आशिका के कंटेंट्स को पूजा की थाल में अर्पण करें। फिर हम आशिका पात्र में थोड़ा सा जल डालकर गंतोत्र की तरह ही आशीर्वाद ले लें। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। आरती मंत्र। आशिका ले लेने के बाद हम आरती लेंगे। आरती लेते वक्त आप आरती मंत्र का उच्चारण करें और स्क्रीन पर दिखाए हुए तरीके से दोनों हाथों को जोड़कर आरती के ऊपर घुमाएं और अपने चेहरे पर स्पर्श करें। यह प्रक्रिया हमें 3 बार या 5 बार संपन्न करनी है। श्री जिनवर की आरती लीजे शीश चढ़ाए, भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। चौपाई स्तुति। स्तुति करते वक्त आप हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए पूर्ण श्रद्धा से चौपाई स्तुति का उच्चारण करें। मैं तुम चरण कमल गुण गाए, भाव विधि भक्ति करूं मन लाए, जन्म जन्म प्रभु पाओ तो ही, यह सेवा फल दीजे मोही। कृपा तिहारी ऐसी हो, जामन मरण मिटावो मोय। बार बार मैं विनती करूं, तुम सेवा भव सागर तरु। नाम लेत सब दुख मिट जाए, तुम दर्शन देखो प्रभु आए। तुम्हारे गुना को अंतन पार, सुखिया दुखिया को पारन पाए। तुम हो प्रभु देवन के देव, मैं तो करूं तव चरण किसे। जिन पूजा में सब सुख होए, जिन पूजा सम अवर न कोय। जिन पूजा ते स्वर्ग विमान, अनुक्रम ते पावे निर्वाण। मैं आयो पूजन के काज, मेरो जन्म सफल भयो आज। पूजा करके नवाऊ शीश, मुझे अपराध शमो जगदीश। सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात, मो गरीब की बीनती सुन लीजो भगवान। पूजन करते देव की आदि मध्य अवसान, सुरगन के सुख भोग कर पावे मोक्ष निदान। जैसी महिमा आप विषय और धरे नहीं कोय, जो सूरज में ज्योति है तारागन नहीं सोय। नात तिहारे नाम ते अगछिन माहि पलाय, जो दिन कर प्रकाश ते अंधकार विनशाय। बहुत प्रशंसा क्या करूं मैं प्रभु बहुत अज्ञान, पूजा विधि जानू नहीं शरण राख भगवान। बेगोरा बे सावला बे हरिया बे लाल, षोडश प्रतिमा स्वर्णमयी ते बंदो त्रिकाल। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। और चौपाई स्तुति के साथ ही हमारी पूजा संपन्न हुई। पूजन संपन्न होते ही हम इस बात का ध्यान रखें कि सभी चीज़ों को अपनी जगह व्यवस्थित तरीके से रख दे। साथ ही अगर आपने पूजन में मंदिर जी का द्रव्य इस्तेमाल किया है तो उसके प्रति आप कुछ दान राशि मंदिर जी में अवश्य ही दान पेटी में डाल दें। इम्पोर्टेंट सूचना। पूजन में चढ़ी हुई सामग्री निर्माल्य कहलाती है। पूजन में अर्पण हुई सामग्री को आप किसी पशु या पक्षी को खिला सकते हैं या फिर किसी गरीब या जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं, पर इसे भूलकर भी निर्माल्य वस्तु को अपने घर में या अपने पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो इसी के साथ हमारी पूजा सुसंपन्न हुई। अगर इन पूजन वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी पूजन करने में,
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और जय जिनेंद्र।